हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। वेब से स्टार्ट कर रहे हैं आर्क सर्वाइव इवॉल्व। गाइस आ जाओ, केव करने जा रहे हैं। जो पिछली वीडियो में आपने मैंने देखा था कि मैंने क्या बोलते हैं वुल्फ वगैरह पकड़ लिया था, जेरे वुल्फ वगैरह। चलो भाई निकलते हैं अपना केव के अंदर के लिए। ये तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो लंबी करनी नहीं है। अगर वीडियो लंबी हो गई तो इंटरनेट बहुत लगेगा, आगे इतर तरह से इसे चलता नहीं है। चलो फटाक से चलते हैं केव के अंदर और वो क्या बोलते हैं आर्टिफैक्ट वगैरह सब कुछ फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं तुमसे अंदर केव के। लो भाई, हम केव के अंदर पहुंच चुके हैं। ये रहा हमारा केव का एरिया। भाई क्या मस्त लग रहा है भाई, देखो कि ना सही है भाई। मगर मेरे को लग रहा है भूल भुलैया पूरी केव, पता है भाई दिमाग पागल हो जाता है घुसने में। अंधेरा क्यों है रे, बाहर रोशनी। इधर बताऊँ कैसा है, जैसे बाहर सुबह होगी तो यहाँ पर अंधेरा होगा, यहाँ पर अंधेरा होगा केव के अंदर। जैसे बाहर रात होगी यहाँ पर रोशनी हो जाएगी, उल्टा सा हो रहा। चलो भाई मैं आस्ते आस्ते ही चलूँगा, कमीने पीछे आते रहे ना तभी काम बनेगा। आ रहे आ रहे, आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ। मैं सोचता था यहाँ पर घर बनाते हैं, अरे भाई केव के अंदर घर बनाया ना। आ गया, चलो करो जरा फाइट करो। शाबाश भाई, इनका डैमेज अच्छा है तो आराम से हमारा काम बन जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, पता है आराम से घुस के छील देंगे सबको। वैसे क्या पता क्या मस्त केव है, सारे हैं पीछे। हाँ ये क्या है, ये क्या ब्लैक 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 प्रिल, ये पी आर एल प्रिल। ये क्या है भाई, ये किस चीज़ के काम आता है मेरे को पता नहीं, मगर याद रखूँगा ये केव के अंदर मिलता है। इतनी हालत बुरी हो गई है कि वेट नहीं है, इतना वेट बढ़ चुका है। मैं क्या बोलते हैं अपने बुल्स के अंदर थोड़ा थोड़ा सामान डाल देता हूँ जिससे मेरे को आसानी हो जाए। मेरे इन बुल्स का भी वेट इतना अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो मैं थोड़ी पैदल चलता हूँ आगे की तरफ। बैठ है ना यहाँ पे, बैठ तेरी तो पटका था। चल भाई एक पटका हमारा छीन लिया वैसे ने उसको, नाइस पे अपना वेट। ये वुल्फ का है ना, हाँ वुल्फ का, ठीक है भाई। इन वुल्फ के लेवल पता है, केव के अंदर आने से ना तुम्हारे जो केव के अंदर आ सकते हैं ना जानवर, डाइनो जो केव के अंदर डाइनो आ सकते हैं, वुल्फ साइबर टूथ वगैरह, बेस्ट प्लेस है इनका लेवल अप करने का। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, वो डाइन वो होते हैं कीड़े मकोड़े, तो आराम से वुल्फ मार मार के इनका लेवल इतना सही हो जाता है ना भाई, स्टैट्स इतने मस्त बन जाते हैं, इसके मज़ा आ जाता है भाई। इनको देख देख के चलना पड़ेगा, हराम खोरी घूम हो जाती है कभी का। केव पता है काफ़ी बड़ी है रे, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मेरे को तो ये डर लग रहा है, मैं वापस आऊँगा कैसे। मेरे को ये रास्ते ध्यान याद रखने पड़ेंगे यार। ये भाई यार कुछ ऐसा हो ना, रस्सी बांध के इनको पीछे पीछे ही लाते रहूँ, कोई ऐसा टेक्निक वो चीज़ हो ना जिससे मतलब जितनी स्पीड में चलूँ उतनी स्पीड में चले और लाइन में चले। ये हराम को लाइन में नहीं चलते तो इधर उधर टक्कर मार मार के हक जाते हैं। इसको देखिए कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ने की कोशिश कर रही है। पानी है भाई, इसका हालत देखो भाई, इसका मैंने वेट वो बढ़ाया ना, क्या बोलते हैं हेल्थ, तो इसका वेट काफ़ी कम है। तो ये क्या है अंदर, ये भी डाइनो है क्या, क्या है आप भाई। ये सही है भाई, आराम से ये क्या है, कितना सही है। क्या नाम है इसका, वाइल्ड मेल ग्लो टेल। भाई ये मेरे को टेम करना है यार इसको, यार मेरे को बताना है यार, मैं ज़रा उस पर देख लूँ क्या बोलते हैं फ़ोन पे निकाल के भाई, चिटिन वगैरह यूज़ कर लेता तो भाई चिटिन चुटिन तो काम नहीं करेगा, ट्राई करने में क्या जाता है वैसे ना भाई। वो यार फूल फूल मांग रहा था कुछ, मैं छठ पर बाद में देखेंगे, पहले मैं यार रास्ता ढूँढू वो क्या होते हैं आर्टिफैक्ट्स होते हैं वहाँ के लिए, उसके बाद देखते हैं कुछ।
मेरे को आने वाला रास्ता याद रखना पड़ेगा। बता ऊपर की तरफ नीचे की तरफ मैं कुछ याद नहीं आ रहा, बताए कहाँ से कहाँ गया था, कहाँ से कहाँ नहीं गया था। हराम को दूध का बच्चा कटाई कर ले आ जाए तो हराम को रहते नहीं, इनका सबसे बड़ा पंगा वही है। मेरे बेटो चलो रे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ रहे हैं। शाबाश, अब एक फंस गया भाई। फंसू राम तू भी निकल जा कहीं से भाई। केव इतनी बड़ी है ना, इतने से सी चीज़ें ना केव के अंदर भाई। भाई ये सही है भाई, केव के अंदर कीड़े मकोड़े छोड़ के ये हो जाए सही है। मेरे को पता दो तीन बारी केव करना पड़ेगा। केव के अंदर से ना वो सामान निकलता है जिनसे हम वो चलते हैं, स्नो के क्लोथ बना सकते हैं। और मेरे को स्नो बायोम में जाना है, वो स्नो वाले एरिया में जाना है क्योंकि वहाँ पे बहुत सेसी वो है, क्या बोलते हैं डाइनो है, तो वो टेम करने हैं मेरे को। तो मेरे को लग रहा है तीन चार बारी मेरे को केव में आना पड़ेगा तो जिससे मैं वो सामान बना पाऊँ। चलो ख़त्म हो गई कहानी। चलो भाई तुम्हें ना वहाँ पे पहुँचती वहाँ आर्टिफैक्ट के पास पहुँच के मिलती, क्योंकि ऐसा काफ़ी लंबा हो जाएगा ना तो आगे बहुत तकलीफ होती है यहाँ पे। चलो मिलते हैं तुमसे थोड़ी देर। लो भाई पहुँच गए हम यहाँ पे। वैसे इसके आगे भी रास्ते हैं, वो मैं नहीं सोच रहा वो करूँगा या नहीं करूँगा, वो मैं देख लूँगा। वैसे आर्टिफैक्ट एक ही करना, मेरे सबसे एक ही आर्टिफैक्ट होता है ना, तो ये ठीक है। जितनी बार आएगा मैं इधर मैं सोच रहा बेड बुड लगा दूँगा बाद में, जितनी बार आएगा उतनी बार में लूँगा यहाँ पे आके। एक गोल्ड प्लेयर रखना पड़ेगा मेरे को। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना केव वाले गोल्ड का एक एरिया ही बना दूँ, अगर ब्रिज बन पाए ना, एक ब्रिज बना के कनेक्ट कर दूँ अपने एरिया अपने घर से लेके यहाँ तक। जैसे सीन सोचना पड़ेगा अपने घर से लेके यहाँ तक, एक ब्रिज या कुछ ऐसी चीज़ बन जाए जो कनेक्ट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। खास कुछ नहीं बोला। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू टुमारो, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।